विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धनिज धम्मा के 74वें भाग में एपिसोड 74 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धनिज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, यानी धर्म और धम्म। और हम लोगों ने इस बुक 4 के पार्ट 2 के पिछले एपिसोड में ही शुरुआत कर दी थी। पार्ट 2 का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है कि हाउ सिमिलिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, यानी शब्दों की समानता, नामों में जो समानता है वो मूलभूत भेदों को किस तरह से छुपा के रखता है। और इस पार्ट 2 के 4 सेक्शंस है। उस 4 सेक्शन के पहले सेक्शन की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, सेक्शन 1 पुनर्जन्म रीबर्थ। और इस रीबर्थ का प्रास्ताविक हम लोगों ने अध्ययन किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस प्रास्ताविक का अंत जहां पर किया है, आज वही से इस एपिसोड 74 की शुरुआत होगी, सेकेंड चैप्टर की शुरुआत होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्रास्ताविक के आखिरी लाइन में लिखते हैं, क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? और आज के एपिसोड का, आज के चैप्टर का नाम भी यही है, रीबर्थ ऑफ व्हाट, किस चीज का पुनर्जन्म। तो चलिए आज के इस पार्ट को शुरुआत करते हैं, रीबर्थ ऑफ व्हाट, किस चीज का पुनर्जन्म। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? इसका जवाब है हां, तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन यह बेहतर होगा अगर हम इस सवाल को दो भागों में विभाजित करें, पहला किस चीज का पुनर्जन्म और दूसरा किसका पुनर्जन्म। यह बेहतर होगा कि हम इन दोनों सवालों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समझें। यहां हम सबसे पहले सवाल को समझेंगे जिसका नाम है किस चीज का पुनर्जन्म। यह है वो पहला सवाल जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। इस सवाल को हमेशा से ही, यानी ये जो सवाल है किस चीज का पुनर्जन्म, इस सवाल को हमेशा से ही दुर्लक्षित किया गया है। इस सवाल की हमेशा से ही अवहेलना की गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि दोनों सवालों को, किस चीज का पुनर्जन्म और किसका पुनर्जन्म, इन दोनों सवालों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया और इसलिए इतना संभ्रम पुनर्जन्म के बारे में निर्माण हुआ है। तथागत बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के, यानी एग्जिस्टेंस के, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व के 4 तत्व होते हैं जो शरीर की रचना करते हैं। वो है पृथ्वी, आप, तेज और वायु। सवाल यह है कि जब शरीर मर जाता है तब इन 4 तत्वों का क्या होता है? क्या शरीर के साथ ये 4 तत्व भी मर जाते हैं? तथागत बुद्ध का कहना है, तथागत बुद्ध के कहने से पहले बाकी सभी लोगों का कहना था कि हां, ये सारे तत्व मर जाते हैं। और इसे ही उच्छेदवाद में बता दिया गया था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मरने के बाद, शरीर मर जाने के बाद सभी कुछ मर जाता है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि उन्हें उच्छेदवादी होने का गलत दावा किया जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने आप को उच्छेदवादी नहीं कहा, लेकिन तथागत बुद्ध उन आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करने के वजह से बाकी सारे लोग उन्हें उच्छेदवादी होने का दावा करते थे। तो आज प्रिलिमिनरी, यानी प्रास्ताविक में जो सवाल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उठाए थे, आज उसके पहले सवाल का जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना था कि हां, शरीर के साथ सारी चीजें मर जाती हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं। तथागत बुद्ध का कहना था कि नहीं, सारी चीजें नहीं मरती। ये जो 4 तत्व हैं वो अंतरिक्ष में तैरते समान तत्वों के द्रव्यमान में शामिल हो जाते हैं। आसमान में, ब्रह्मांड में, स्पेस में, अंतरिक्ष में तैरने वाले समान तत्वों के द्रव्यमान में ये सारे तत्व
शामिल हो जाते हैं। जब इस तैरते हुए द्रव्यमान में, इस तैरते हुए द्रव्यमान से चार तत्व एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तब एक नया जन्म होता है। पुनर्जन्म से तथागत बुद्ध का मतलब इतना ही है। यह आवश्यक और जरूरी नहीं है कि वो तत्व उसी शरीर से हो जो मर चुका है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शरीर मर जाता है लेकिन तत्व हमेशा बने रहते हैं। इस तरह के पुनर्जन्म पर तथागत बुद्ध का विश्वास था। सारिपुत्र और महाकुटीता के बीच जो संवाद हुआ वो संवाद इस विषय पर गहरा प्रकाश डालता है। ये कहा जाता है कि जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, तब शाम के समय महाकुटीता अपने ध्यान से उठकर सारिपुत्र के पास गए और उनसे उन्होंने वो प्रश्न पूछे जो उन्हें परेशान किया करते थे। महाकुटीता ने सारिपुत्र से पूछा कि ध्यान लगाने से, पहला ध्यान लगाने से कितने तत्व दूर होते हैं और कितने तत्व बने रहते हैं। सारिपुत्र ने जवाब दिया कि हरेक में से जो तत्व दूर होते हैं और जो बने रहते हैं, उन दोनों में से पांच जो है वो रहते भी है और जाते भी है। जो जाते हैं वो है वासना, द्वेष, पीड़ा, चिंता और संदेह, और जो बने रहते हैं, जो कायम रहते हैं, वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वरेंस, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, उत्साह, संतुष्टि और एक केंद्रित दिल, एक केंद्रित मन। महाकुटीता ने आगे पूछा कि पांच इंद्रियों को ले लो, दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, हर एक का अपना खुद का कार्य क्षेत्र है और कार्य की सीमा है जो अलग और परस्पर भिन्न है। इन पांचों इंद्रियों का अपना एक कार्य क्षेत्र है और सभी का कार्य क्षेत्र अलग है, परस्पर भिन्न है। उनके पास अंतिम आधार कौन सा है और वो कौन है जो अपनी सभी पांचों प्रांतों को और कार्यों के सीमाओं का आनंद लेता है, वो कौन है जो इन पांचों इंद्रियों का आनंद लेता है। सारिपुत्र ने जवाब दिया, मन। वो मन है जो इन पांचों इंद्रियों के कार्य का और कार्य के सीमाओं का आनंद लेता है। महाकुटीता ने पूछा, ज्ञान यानी बोध या समझ, समझ के जो पांच मन की शक्तियां होती है वो किस पर निर्भर करती है। सारिपुत्र ने जवाब दिया कि वो जीवन शक्ति पर निर्भर करती है, जीवन शक्ति पर। महाकुटीता ने आगे पूछा, जीवन शक्ति किस पर निर्भर करती है, जीवन शक्ति किस पर निर्भर करती है। सारिपुत्र ने जवाब दिया, तपिश, तपिश यानी उष्मा, गर्मी, हीट, इस पर निर्भर करती है। महाकुटीता ने आगे पूछा कि तपिश, उष्मा, गर्मी किस पर निर्भर करती है। सारिपुत्र ने जवाब दिया, जीवन शक्ति पर, जीवन शक्ति पर निर्भर करती है। महाकुटीता ने कहा, आप कहते हो कि जीवन शक्ति तपिश या गर्मी या उष्मा पर निर्भर करती है और यह भी कहते हो कि गर्मी, जीवन, उष्मा, तपिश ये जीवन शक्ति पर निर्भर करती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका सही अर्थ क्या है। सारिपुत्र ने कहा, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, इलस्ट्रेशन, एक आपको एक दृष्टांत देता हूं। जैसे किसी दिए या दीपक को, दीपक के मामले में, दिए के मामले में, दीपक के मामले में प्रकाश ज्योति को प्रकट करता है, दिए को प्रकाश जो है, लाइट जो है, ये ज्योति को प्रकट करता है और ज्योति प्रकाश को, उसी तरह से जीवन शक्ति तपिश गर्मी के ऊपर निर्भर करती है और तपिश जीवन शक्ति पर, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर करते हैं।
महाकोटिता ने पूछा कि शरीर को त्यागने और त्यागने के बाद और शरीर एक संवेदनहीन लकड़ी के टुकड़े जैसा फेंकने से पहले शरीर कितने चीजों को छोड़ता है या शरीर कितने चीजों को त्याग करता है। सारिपुत्र ने जवाब दिया कि जीवन शक्ति, गर्मी, तपिश या ऊष्मा जिसे आप कह लो, और चेतना, संवेदना। महाकोटिता ने पूछा कि एक निर्जीव लाश और समाधि अवस्था में बैठे हुए भिक्षु में क्या अंतर है जिसकी धारणा और भावना सुन्न हो गई है। एक ध्यानस्थ बैठा हुआ भिक्षु जिसकी धारणा और भावना मर गई है, उसमें और निर्जीव लाश में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है। सारिपुत्र ने जवाब दिया कि एक निर्जीव लाश में न केवल शरीर के कृत्रिम ताकते, वाणी और मन सुन्न और निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि जीवन शक्ति भी समाप्त हो जाती है। यानी एक लाश में वाणी, मन तो यह सुन्न हो ही जाता है, वाणी सुन्न हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन जीवन शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तपिश, गर्मी शांत हो जाती है और मन की शक्तियां टूट जाती है, बिखर जाती है। और जहां समाधि अवस्था में बैठे हुए भिक्षु की बात है, जीवन शक्ति उसमें बनी रहती है, गर्मी उष्मा उसमें टिकी रहती है, मन की शक्तियां शुद्ध रहती है, हालांकि श्वास, अवलोकन और धारणाएं सुन्न हो जाती है और शांत हो जाती है। यह मृत्यु की और विनाश की सबसे अच्छी और सबसे मुकम्मल व्याख्या इस संवाद में है। मृत्यु विनाश की व्याख्या इस संवाद से स्पष्ट हो जाती है। इस संवाद में केवल एक कमी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं कि इस संवाद में केवल एक कमी है। महाकोटिता ने सारिपुत्र को पूछना चाहिए था कि तपिश या गर्मी क्या होती है, तपिश, गर्मी, ऊर्जा ये क्या होती है। सारिपुत्र ने क्या जवाब दिया होता इसकी कल्पना करना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होता कि गर्मी या तपिश का मतलब ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं होता, एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं होता। इस प्रकार जब शरीर मर जाता है तब शरीर का क्या होता है, इस सवाल का जवाब बढ़ जाता है, इस सवाल का जवाब बढ़ जाता है। और इसका जवाब होता है कि शरीर ऊर्जा का उत्पादन करना बंद कर देता है। मृत्यु के बाद, विनाश के बाद क्या होता है, शरीर का क्या होता है, शरीर एनर्जी क्रिएट करना बंद कर देती है। लेकिन यह केवल उत्तर का एक ही हिस्सा है। यह उत्तर का केवल एक ही हिस्सा है, क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि जो भी ऊर्जा शरीर से निकल गई है, जो भी ऊर्जा शरीर से चली गई है, वो ब्रह्मांड में तैर रहे ऊर्जा के सामान्य द्रव्यमान में जाकर शामिल हो गई है। इसलिए विनाश के दो पहलू हैं, मृत्यु के विनाश के दो पहलू हैं। इसके पहले पहलू का मतलब है कि ऊर्जा के उत्पादन पर रोक लग जाती है। पहला पहलू है कि शरीर ऊर्जा का उत्पादन करना बंद कर देती है, और इसके दूसरे पहलू का अर्थ है कि ब्रह्मांड में तैर रहे सामान्य ऊर्जा के द्रव्यमान में ये नए ऊर्जा में ऊर्जा को शामिल कर देती है, नए ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। विनाश के इन दो पहलुओं की वजह से बुद्धा ने अपने आप को संपूर्ण उच्छेदवादी नहीं कहा। जो हम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा कि तथागत बुद्ध अपने आप को उच्छेदवादी नहीं कहते, और इसलिए विनाश के इन दो पहलुओं की वजह से तथागत बुद्ध ने अपने आप को
संपूर्ण उच्छेदवादी नहीं कहा। जहां तक आत्मा का संबंध है वहीं तक तथागत बुद्ध उच्छेदवादी मत के थे। जहां तक आत्मा का मत है, आत्मा का संबंध है, उच्छेदवादी मतों वाले, उच्छेदवादी सिद्धांतों वाले आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। और जहां पर आत्मा का संबंध है सिर्फ वहीं तक तथागत बुद्ध उच्छेदवादी मतों के, सिद्धांतों के समर्थक थे। लेकिन तत्व पदार्थ तथागत, वहीं तक तथागत बुद्ध उच्छेदवादी मत के थे। तत्व पदार्थ द्रव्य के संबंधी वे उच्छेदवादी नहीं थे। उच्छेदवादी मतों के अनुसार द्रव्य पदार्थ एलिमेंट्स इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा जो तथागत बुद्ध ने कहा। इस तरह से अगर व्याख्या की जाए तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि क्यों तथागत बुद्ध ने अपने आप को उच्छेदवादी नहीं कहा। क्योंकि वो पदार्थ के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ना कि आत्मा के पुनर्जन्म में। तथागत बुद्ध जिस पुनर्जन्म में विश्वास करते थे वो पुनर्जन्म आत्मा का पुनर्जन्म नहीं था, वो पदार्थों का पुनर्जन्म था। और इसलिए तथागत बुद्ध उच्छेदवादी मतों के नहीं हो सकते। इस तरह से व्याख्या करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि तथागत बुद्ध का दृष्टिकोण विज्ञान के अनुरूप है। केवल इसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होती, यही विज्ञान की पुष्टि है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, इस तरह से विनाश का अर्थ लगाना विज्ञान के विपरीत होगा। इससे इसका अर्थ होगा कि ऊर्जा निरंतर मात्रा में नहीं होती। यह एकमात्र तरीका है जिससे ये दुविधा को हल करने में आसान हो जाती है। और यही है रीबर्थ ऑफ व्हाट, किस चीज का पुनर्जन्म जिस पर तथागत बुद्ध विश्वास करते थे। तथागत बुद्ध ये आत्मा के पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो पदार्थों के पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के इस पाठ में, चैप्टर में हम सभी लोगों को समझाया है कि तथागत बुद्ध जिस पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे वो था पदार्थों का पुनर्जन्म। कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे किसका पुनर्जन्म। आज हम लोगों ने देखा किन चीजों का पुनर्जन्म, कल देखेंगे कि किसका पुनर्जन्म जिस पर तथागत बुद्ध विश्वास करते थे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।